दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो इसके रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। जानेंगे क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे BE, BTECH, ITI, डिप्लोमा तीनों कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन मोस्टली जो पोस्ट है उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों, चाहे वो ITI के हों, और BTECH वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कौन से प्लांट पर वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो ये जो राउरकेला प्लांट है, अभी हाल में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर से जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है। ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, तो मैं अभी आप लोगों के सामने बताऊँगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, और कौन कौन सी ब्रांच जो यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरी जो है सॉल्व हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पाँच तरह की, मतलब पाँच पोस्ट है। पोस्ट का अलग, हर एक पोस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकली है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकली है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, बॉयलर ऑपरेटर के लिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो सबके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो है अलग अलग है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बन रहे हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर का। तो ये जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। ये जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन है राउरकेला स्टील प्लांट में। हालांकि अभी जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ है राउरकेला स्टील प्लांट का, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली थी। तो इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है। तो ये नई वैकेंसी निकली है, जहाँ पर हम पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करेंगे, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, फिर ऑपरेटर, फिर बॉयलर, इन सब के लिए हम बात करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट है बॉयलर टरबाइन में, E3 लेवल के जॉब है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल फायर में जो है यहाँ पे वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर सेफ्टी में वैकेंसी है, जूनियर मैनेजर क्वालिटी टेस्टिंग में वैकेंसी है। वैकेंसी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें जो है BTECH के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल बताऊंगा, अभी मैं आपको पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पोस्ट। तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए, तो नॉन एग्जीक्यूटिव में जो है फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, फायर कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। 81 जो है यहाँ पे वैकेंसी शो हो रही है, और फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 25। बॉयलर ऑपरेटर की बात किया जाए, तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 7 वैकेंसी है टोटल। अब हम बात करते हैं जहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए, तो डिप्लोमा ITI दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए जो है यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बात करें मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट के लिए 13 सीट है, मेटलर्जी के लिए 14 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 सीट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5, और इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट के लिए 5 सीट है यहाँ पे। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जहाँ पे ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिर्फ इसमें जो फीटर ट्रेड है वो यहाँ पे एलिजिबल है। 19 नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो ये जो था आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज था अकॉर्डिंग टू आपके पोस्ट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एज लिमिट जो है 28 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है आपको, और 65% जो है आपके क्वालिफिकेशन यानी कि BE, BTECH में होना चाहिए। देन जूनियर मैनेजर की बात किया जाए, तो यहाँ पे जो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि BE, BTECH कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है 2 साल का होना चाहिए। तो इसमें जो है जूनियर मैनेजर के लिए सेफ्टी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगली बात करते हैं बॉयलर टर्बाइन ऑपरेशन के लिए, जहाँ पे 37 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं BTECH वाले। क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है आपका, 30 साल के मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। देन बात करते हैं फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, तो 18 से लेकर 28 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। देन बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिप्लोमा के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास फायर इंजन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 50% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और अब बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए, इन तीन सब पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, जो बॉयलर ऑपरेटर है उसके लिए 30 साल रखी गई है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा आपको इसमें जो ऑपरेशन वाला जो बॉयलर ऑपरेटर है उसमें आपका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर हम बात किया जाए यहाँ पे दूसरी वाली पोस्ट पे,
जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, इसमें 28 साल रखी गई एज लिमिट। इसमें जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ भी 50% आपके डिप्लोमा में होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली पोस्ट, जैसे कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, तो यहाँ पे 28 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे जो है ITI रिक्वायरमेंट है आपको फिटर ट्रेड में, तो यहाँ पे किसी प्रकार का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगली पोस्ट देख लेते हैं, तो अगली पोस्ट जैसा कि यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए है, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे जो है 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है आपके मोटर व्हीकल में, बाकी अगर आपने 10th पास कर रखा तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यहाँ पे मैं ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में 1:3 रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके 2 सेक्शन रहेंगे। एक टेक्निकल का सेक्शन रहेगा जिसमें आपके 80 मार्क्स के जो टेक्निकल ट्रेड्स है, जैसे जो मैकेनिकल का मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नॉन टेक के जो है जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश यहाँ पे नहीं रहेगी, तो 20 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये जो पेपर का ड्यूरेशन है ये 2 आवर का होगा। अब हम बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका उड़ीसा में ही कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे भुवनेश्वर कटक राउरकेला और सांबलपुर में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें सिर्फ राउरकेला में ही यहाँ पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब हम बात करते हैं कितनी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए। तो इनको जो है 2 साल ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान जो है पहले साल इनको 10,700 रुपये, दूसरे साल जो है 12,200 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। देन इनको ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है इनका जो ग्रेड पे है वो रख दिया जाएगा 16,800 से लेके 24,110। तो ये जो है इनकी सैलरी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो लगभग आपका 25,000 तक, यहाँ 25 नहीं, यहाँ पे आपका लगभग 22,000-23,000 तक जो है सैलरी यहाँ पे बनेगी। बाकी जो अलाउंस वगैरह है जैसे रूम फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी जाएगी। देन यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि अब अगली पोस्ट की, तो यहाँ पे अटेंडेंट कम और फायर कम ट्रेनी ऑफिसर्स ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए बात करते हैं। तो इनके लिए जो है इनका भी 2 साल का ट्रेनिंग है। पहले साल जो है इनका 10,000, दूसरे साल जो है इनका 8,600, दूसरे साल जो है 10,000 यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद S1 लेवल का ग्रेड यहाँ दिया जाएगा, तो 15,830 से लेकर 22,150 रुपये तक यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे दी जाएगी। बाकी पोस्ट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पोस्ट में बहुत ज़्यादा सैलरी है और उसमें जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट था। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए और अटेंडेंट यानी कि डिप्लोमा ITI वालों कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट दे रखी है 155 और फीमेल्स के लिए 143। देन यहाँ पे दे रखा कि आपको 6x12 विदाउट ग्लासेस डिस्टेंस विजन होना चाहिए और कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेडिकल इसमें रिक्वायरमेंट होता है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पे रखी गई है, बात किया जाए तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव जैसे बात किया जाए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और फायर ऑपरेटर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 250 रुपये का फॉर्म रखा गया है। और 150 रुपये का जो फॉर्म है वो 150 रुपये का जो फॉर्म है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी ITI वाले कैंडिडेट रखा गया है, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट ही यहाँ पे उनका एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है, बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए आपको कहाँ लिंक पे जाना है, तो आपको जो है www.sale.co.in पे जाके वहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो ये फॉर्म जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये फॉर्म जो स्टार्ट होगा आपका 10 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2019 रखी गई है। तो ये फॉर्म जो है अभी एक्टिव नहीं है। आपको हमारे चैनल में सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आए हैं।
सो फ्रेंड, ये थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया है। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करते हैं। तो वो जो है आने वाले एग्ज़ाम जैसे आपके NPCIL, BRC, ISRO, DRDO, सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है पार्ट वन डाल रखा है और आने वाले दिनों में इसके और भी पार्ट्स हम डालने वाले हैं। तो आप जो यहाँ पर सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया है। तो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।